आती हूँ। जब पानी के अंदर मैं वैसे इसको जो डबल डालती हूँ तो देखिए बिल्कुल नहीं हट रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती तो बिल्कुल हट जाती, देख सकते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वैसे टाइटल हमने देख के गैस कर ही लिया होगा कि आज की जो रेमेडी, हम सफ़ेद बालों को कैसे जो है कुछ ही मिनटों में काला कर सकते, वो भी परमानेंट काला कर सकते, बिना कोई डाई के, बिना कोई केमिकल के। और आज जो मैं बताने वाली, इससे आपको ना कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, ना आपको हेडेक होगा, ना आपकी आंखों की रोशनी जाएगी, ना आपकी आंखों में जलन होगी, ना आपकी स्किन को जो है कोई बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। काफ़ी लोगों को जब बालों में डाई लगाते हैं, कलर करते, तो उनको थकावट हो जाती है। घर पर जैसे पार्लर जाते, पार्लर से जो चीज़ें लगवा के आते, तो उनके जो है बहुत ज़्यादा थकावट होने के साथ साथ उनको जो है बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती, क्योंकि उसके अंदर जो ऐसे केमिकल जो ऐसे अमोनिया ऐड किया जाता है जो हमें पता नहीं होता, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे छोटी उम्र के यूज़ करें, चाहे बड़े लोग यूज़ करें, ये सबके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है कि आप जो अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो बताने वाली बिल्कुल घरेलू तरीका है, आप अपने सफ़ेद बालों को कुछ ही मिनटों में काला कर। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, साथ के साथ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो है रेड कलर का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सकें। और हाँ, कुछ भी पूछना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक पहुँचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इतना प्यार जो इसी तरीके से बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हाँ, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप वॉच कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि दो चम्मच हम ऐसी क्या चीज़ मिलाए। मैंने एक चीज़ मिलाकर जो है लगाई, जिससे कि बाल इतने काले हो गए कि मैं डाई लगाना भूल गई। तो चलिए, वैसे आप लोगों ने टाइटल थंबनेल तो देख के गैस कर ही लिया होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि इसे किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे बताया है कि हमें जब भी कोई मेहंदी घोलनी होती है, कोई भी पैक बनाना होता है, हेयर पैक, तो आपको क्या करना है उसमें जो है, आपको डेली रूटीन में जब भी बनाते हैं तो आपको आयरन की कढ़ाई लेनी चाहिए, लोहे की कढ़ाई जिसे कहते हैं। ये कुछ इस तरीके की हो जाती है, वॉश करने के बाद भी ये थोड़ा सा अपना जो है रंग निकालती है। तो यहाँ मैं जो है लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ, और साथ के साथ हम इसके अंदर जो है मेहंदी से ही, क्योंकि हम और ऐसी चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर मेहंदी से ही बालों को काला करके भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ मैं जो नॉर्मल सी नेहा रजनी मेहंदी ले रही हूँ। आपके पास नूपुर की है, खादी की है, किसी भी ब्रांड की आप इसे यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी वाली मेहंदी लीजिए, या हाँ, अगर आपको हर्बाटॉनिक की मेहंदी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। तो देखिए, मैं यहाँ जो है मेहंदी ले रही हूँ, और काफ़ी लोग इसको आम भाषा में हीना भी कहते हैं। तो हीना मैं जो यहाँ एक से दो या दो से तीन चम्मच, आप इसको अपने बालों के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं जो हीना ले रही हूँ, ये देखिए, यहाँ दो चम्मच के बराबर लूँगी, और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जब हम इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो जिससे कि हमारे बाल और अच्छे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मेहंदी को रोस्ट नहीं करना है आपको, बिल्कुल इसको भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको इसके जो लम्स है इसको कर दीजिए ठीक। और देखिए, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, कॉफ़ी, देख सकते हैं आप, ऐसे मेरे पास जो है दो दो रुपए वाले पाउच काफ़ी सारे हैं, बस हमें ये जो है लेना है इस तरीके से। हमें दो से तीन पाउच इसमें लेने होंगे, जिससे कि हमारे बालों को एक अच्छा सा कलर आ जाए। याद रखिएगा कि बालों का कलर लाने के लिए, ब्लैक कलर लाने के लिए, नेचुरल ब्लैक कलर लाने के लिए हमें मेहंदी में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करनी होती है जिससे कि बाल हमारे जो है अच्छे से काले हो जाए। और डायरेक्ट मेहंदी लगाते तो कई बार काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमारे बाल जो बहुत ज़्यादा लाल हो चुके हैं, ऑरेंज हो चुके हैं, बस इस तरीके से जो है हमें जो है हम क्या ऐसा क्या चीज़ लगाए जिससे कि हमारे बालों में जो एक शाइनिंग आ जाए और साथ के साथ एक बालों में कलर आ जाए, नेचुरल ब्लैक हो जाए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं जो है कॉफ़ी ले रही हूँ इस तरीके की, ये दो से तीन पाउच आपको लेना होगा, और हो सके तो एक से डेढ़ चम्मच के अकॉर्डिंग आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। और इसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर मेहंदी के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। बाल हमारे जो है तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं एक और पाउच ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं इसको भी ऐड कर दूँगी, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, आपके सामने सामने में ये थोड़ी सी देर में ये जो ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा, बट इसको क्या करिएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा पहले। याद रखिए, कुछ भी चीज़ को हमें रोस्ट नहीं करना होगा। देखिए, मैंने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब देखिए, हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी इसके अंदर जो इंडिगो पाउडर लेंगे। इंडिगो पाउडर से क्या होगा कि बालों को अच्छा सा एक कलर आता है, बालों में जो है बिना कोई डाई के, बिना कोई केमिकल के, हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। यहाँ मैं इंडिगो पाउडर ले रही हूँ यूनाइटेड्स का, और ये नेचुरल हेयर के लिए, बियर्ड, दाढ़ी, मूछों के लिए काफ़ी अच्छा जो है
लाभ करेगा, देख सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, मैंने यहाँ जो इंडिगो पाउडर लिया है इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, जैसे मैंने अभी पहले भी अपनी आप लोगों के साथ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि जब भी आप इंडिगो पाउडर लेते हैं तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा लोहे की कढ़ाई पे। ये देख सकते हैं इस तरीके का, बिल्कुल जलाना नहीं, काला नहीं करना है हमें, जो है हल्का सा रोस्ट करना है। यहाँ मैं इंडिगो पाउडर ले रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच लीजिएगा और इन तीनों को मिलाना है। अब इसके बाद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है देख सकते हैं, अगर आपके पास दही है तो आप दही ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं, बट हम इसके अंदर जो है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे 1/2 से 1 चम्मच। ये देख सकते हैं कोकोनट ऑयल है मेरे पास, यहाँ मैं थोड़ा सा डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर नारियल तेल ऐड कर दिया, बस हल्का सा लेना है 1/2 चम्मच के बराबर या 1 चम्मच के ले सकते हैं आप। अब देखिए मैं इसके अंदर जो इसको वाटर ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी, पानी आपको जो है नॉर्मल वाटर लेना, ना कि गुनगुना लेना है। हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको जो है 15-20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे जब इसको अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए आयरन का कलर जो है बहुत ही अच्छा कलर आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पर याद रखिएगा, मैं जैसे आपको फिर से दोहराना चाहूँगी कि इंडिगो पाउडर जब भी आप लेते हैं तो हल्का सा रोस्ट किया होना चाहिए, मेहंदी को बिल्कुल भी भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना है। और आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, स्किन जो आपकी जो है सिल्की हो जाएंगे हेयर्स। और ये आपके जो हेयर पैक जो है आपके डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। और देखिए ये आपको जो है मेहंदी से आपके बाल जो है लाल और ऑरेंज बिल्कुल नहीं होंगे। और इसको जो है 10-15 मिनट के लिए आप कवर करके रख सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है वो बहुत जल्दी कलर दे देगी। अब देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है, आप इसको जो है कवर करना चाहते हैं किसी फॉइल पेपर से तो कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी चेक करके दिखाया है आप लोगों के साथ। बस देखिए ये मैंने जो है इसको कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब चलिए 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, क्योंकि आयरन का जो अपना कलर निकलेगा नेचुरल कलर, तो आप देख सकते हैं कि बाल आपके जो है उसी तरीके से ब्लैकिश होने शुरू हो जाएंगे। तो 10 मिनट में आपको इसके बाद दिखाती हूँ किस तरीके से ये ब्लैकिश होना शुरू हो गया है। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये प्योर काला जो बनने शुरू हो गया। और स्पेशली लोहे की कढ़ाई पे ये चीज़ें बनता है और कॉफ़ी पाउडर डालने से ऐसा होता है। आप इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर को ज़रूर ऐड कीजिएगा और इंडिगो पाउडर को हल्का सा रोस्ट करके ही डालिएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये ब्लैकिश सा जो है निकलना शुरू हो गया है। अब आपने देखा होगा नॉर्मल मेहंदी जब आप भिगाते हैं तो वो किस तरीके की ग्रीन ग्रीन सी होती है, बस यहाँ पर जो है पर ये ब्लैकिश सा शुरू हो गया है, देख सकते हैं। मैं अपनी फिंगर पे आप लोगों के साथ जो है दिखा रही हूँ अप्लाई करके। इस तरीके के जो है आप लोगों को थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं, देख सकते हैं इस तरीके की जो है आपकी फिंगर्स भी जैसे दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से हो जाएगी। बस इसी तरीके से आपके बाल भी जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसको मैं 10-15 मिनट और रखती 1/2 घंटे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाता। आपको ऐसा नहीं है कि रात में बना के भिगा के रखनी पड़ेगी कि और नेक्स्ट डे आप इसे लगाएंगे, नहीं, आप इसे बना के तुरंत लगा सकते हैं और आपके बाल जो है नेचुरल काले होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और हाँ, इसके अंदर मेहंदी, इंडिगो पाउडर और कॉफ़ी पाउडर को ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखा आपने, इसे बनाने का तरीका, लगाने का तरीका, सभी चीज़ें बहुत आसान है। आप जो है कुछ ही मिनटों में बना के जो आप अपने बालों को काला तो करेंगे, साथ के साथ बाल आपके सिल्की एंड स्मूथ भी हो जाएंगे, आपके बालों में जो ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। आप जब भी अपने बालों को धोएंगे तो देखिए कोई पसीने की स्मेल या ऐसा रूसी नहीं होगी और ना आपके बालों में जुएँ होंगे, क्योंकि हम घरेलू तरीके से कर रहे, कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, ना कोई डाई यूज़ कर रहे। हम जो है अपने सफ़ेद बालों को घर बैठे बिना डाई के जो है सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।